सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लिस्ट से कि एचटीएमएल लिस्ट क्या होता है। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि एचटीएमएल लिस्ट लिस्ट क्या हो सकता है, जैसे हम कुछ लिस्ट बनाते हैं, हमें कहीं जाना होता था, आज हमें यहाँ घूमना है, आज हमें यहाँ घूमना है, वैसे लिस्ट होता है। मम्मी ने बोला घर से राशन लेके आने, तो उसे हम लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट क्या होता है कि हम कुछ बनाते हैं कि हमें क्या कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो हम स्टेप भी एक लिस्ट में लिखते हैं। तो लिस्ट दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। तो पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया डॉक टाइप, एंटर, एचटीएमएल। इसके बाद क्या होता है बोलते जी, इसके बाद आता है हेड, हेड को हमने कर दिया बंद। हेड के अंदर हम लिखते हैं टाइटल, टाइटल लिख लिया हमने, और इसके बाद आता है बॉडी, जो कि हम हेड के नीचे लिखते हैं। ठीक है, टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं एच टी एम एल एल आई एस टी, एच टी एम एल लिस्ट। ऐसे हम करते हैं सेव, कंट्रोल एस, ये होम एच टी एम एल हट के अब हो गया एच टी एम एल लिस्ट, ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हम बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर हम लिखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट होता क्या है। ठीक है, अब लिस्ट से हम क्या समझते हैं कि लिस्ट हम बनाते थे, तो इसका एक टैग होता है या फिर एट्रीब्यूट बोल सकते हो। पहले हम टैग पढ़ते हैं कि इसमें पहले यूएल टैग आता है। ठीक है, यूएल टैग में हम इसको यूज़ करते हैं और हम एलआई टैग का भी यूज़ करते हैं इसमें, हम लिस्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम पहले बना के दिखाता हूँ एक, कि ऑर्डर लिस्ट का एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने लिखा यूएल, सॉरी ओएल, ऑर्डर लिस्ट, ओएल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ओएल लिखा। इसके अंदर मैं लिया एलआई टैग, एलआई टैग को कर दिया बंद, और इसके अंदर लिख दिया हेलो। ठीक है, फिर से मैंने एक एलआई टैग लिया, बंद कर दिया, इसके अंदर लिखा गुड मॉर्निंग। ठीक है, शॉर्टकट है। ठीक है, हम इसे अब यहाँ लिखते हैं। ये क्या हुआ, ये एक नंबर में आया, वन टू, फिर हम कुछ और लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर से एक लिखता हूँ मैं, एल आई टैग के अंदर मैंने लिख दिया हाउ आर यू, सॉरी हाउ की स्पेलिंग गलत हो गई, एच ओ डब्ल्यू होता है हाउ। ठीक है, ये देखो तीसरे में आ गया कि वो क्या होता है। ठीक है, ये होता है कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अब हम आते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर स्टार्टिंग किससे हो रहा है, यू से, हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया यू। ठीक है, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, ये क्या हो गया, नंबर हट के अब यहाँ पे डॉट्स आ गए। ठीक है, ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब हम एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, कि अब हमने ये तो हो गया कि अनऑर्डर लिस्ट में हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिस्ट में और क्या क्या हो सकता है। जैसे होता है हम कुछ स्टार्ट करते हैं, जैसे वन टू से स्टार्ट हुआ, ए बी सी डी से भी तो स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें फिर हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में हम देखो यहाँ पे आ गया, वन से स्टार्ट करना चाहता है, ए से स्टार्ट करना चाहता है, मैंने ए ले लिया। अब यहाँ देखते हैं रिफ्रेश करके क्या होता है, क्या क्या ए बी सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब हटा के हम कुछ दूसरा लेते हैं, मैं लेता हूँ ये फर्स्ट, रिफ्रेश करते हैं कुछ होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा हो गया। अब होता है क्या होता है, कुछ कोई अलग एट्रीब्यूट से स्टार्ट होता है, जैसे कि पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, तो टाइप तो हमें ए लिखना है क्योंकि हमें छोटे में लिखना है। अगर मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ तो क्या होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं हुआ, वन टू थ्री आ गया, एस तो वो जानता ही नहीं है क्या है। तो हमने यहाँ पे एस डाला था, इसे मैं हटा देता हूँ फिर से, तो कुछ नहीं आया था। बट अगर मैं जैसे यहाँ टाइप वन डाला, स्टार्ट लिखा फाइव, तो क्या हो गया, फाइव सिक्स सेवन आ गया।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिक्स, स्टार्ट सिक्स से करना है मुझे, तो 6 7 8, ठीक है, स्टार्ट मुझे करना है 9 से, तो 9 10 11, ये ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स एंड लिस्ट। नेस्टेड एलिमेंट्स से हम क्या समझते हैं, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर नोन एज नेस्टेड एलिमेंट्स। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि मैंने कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे हेलो है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये इसके भी अंडर आए, ये तो तीनों एक साथ हैं, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ये तीनों एक साथ हैं, बट आते हैं कि हेलो यहाँ पे प्रिंट हो। जैसे कि हम कोई सिलेबस ऊपर ओपन करते हैं तो उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट का नाम रहता है पहले और उसके नीचे रहता है, जैसे कि लेसन नंबर 1, उसके नीचे डॉट डॉट में शो होता है कि पहले पहला लेक्चर इसका है, दूसरा उसका है, फिर तीसरा इसका है, चौथा में क्वेश्चन आंसर फिलअप है, ठीक है, तो वो एक अंडर बाय अंडर रहता है। तो मैं करके दिखाता हूँ, एक जैसे हमने ये ले लिया है, ठीक है, तो हम इसे हटा देते हैं एक बार फिर से, हटा देते हैं, मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। मैंने एक यहाँ पर टैग ले लिया H1, H1 टैग के अंदर लिख लिया मैं कि कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स, तो नेस्टेड ELEMENTS, नेस्टेड एलिमेंट्स लिख दिया, यहाँ डिस्प्ले हो गया, एंड कैपिटल लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आएगा। हाँ, तो नेस्टेड एलिमेंट्स शो कर दिया इसमें H1 में। इसके नीचे हम क्या लेते हैं, एक HR टैग लेते हैं, उससे क्या होगा कि एक नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, अंडरलाइन आ गई। उसके बाद हम UL टैग लेते हैं, स्टार्टिंग हम UL से करते हैं, उसके अंडर LI टैग आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ LI टैग में के अंदर स्विफ्ट के साथ जी जेंडर, जेंडर लिख दिया, देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे एक डॉट में जेंडर शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम UL टैग को ऐसे ही छोड़ देंगे, हम इसे के अंदर कुछ नहीं करेंगे, फिर इसके नीचे, ठीक है, UL टैग, जैसे इसके नीचे हम फिर से एक UL टैग लेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम LI टैग फिर से लेंगे और उसमें हम लिख देंगे मेल, जेंडर दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल, तो MALE लिख लिया मेल, एंटर करते हैं, फिर से LI टैग हमने फिर से लिया, उसमें हम लिख देते हैं फीमेल, FEMALE। एक और होता है ट्रांसजेंडर, वो भी हम ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, LI टैग लिया, उसमें मैंने लिख दिया TRANSGENDER, ट्रांसजेंडर। अब इसे हम डिस्प्ले करते हैं कि क्या हुआ कि जेंडर यहाँ पे शो कर रहा है, मेल फीमेल ट्रांजिशन अलग में शो कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके अंडर आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या समझ आता है कि ये जो तीन हैं, ये तीन कैटेगरीज हैं वो इसके ही हैं, मतलब इसका मेन पर्पस क्या होता है, हम कैटेगराइजेशन को दर्शाते हैं इसमें, मतलब कैटेगराइजेशन हम इसमें दिखाते हैं कि कैटेगराइजेशन होता कैसे है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया, एक बार आप कोड को देख लीजिए, अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आए तो आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे जेंडर यहाँ पे है, इसका सिंबल ये है, कुछ और हो इसका सिंबल, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, आपको नहीं पता, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे UI टैग के अंदर मैंने लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप, टाइप लिया, टाइप के अंदर मैं लिखता हूँ स्क्वायर, देखते हैं पहले होता है नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता, ये मैं न्यू ट्राई कर रहा हूँ, हाँ ये स्क्वायर हो गया, ये पहले सर्कल था, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, सर्कल लिखा मैंने, ये सर्कल हो गया, ठीक है, इसके अंदर मैं अब लिखता हूँ स्क्वायर, ये देखना ध्यान से देखना इसको,
ये इम्पोर्टेंट है, ये जो डॉट है इसे देखना है, ये स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या होता है कि हम अलग अलग कैटेगरीज भी इसमें हम दर्शा सकते हैं। अगर हम इसको अब ओएल टैग से यूज़ करें, ठीक है, ये तो हो गया था अनऑर्डर लिस्ट में, हम ओएल टैग कर यूज़ करते हैं अब, ठीक है, हम इसे करके ओएल टैग यूज़ कर दिया हमने इसे, सॉरी ओएल टैग। अब इसे देखते हैं, जेंडर, जेंडर के अंदर भी 1, 2, 3 ये शो कर रहा है इसमें, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर चेंज कर देते हैं। ओवल टैग के अंदर हम लिख देते हैं टाइप, टाइप क्या, ABCD, तो ये ABCD अब शो कर रहा है, ठीक है। हम इसी पर इसका मेन पर्पज़ यही होता है नेस्टेड एलिमेंट का, कि इसको कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसे पता होता है कि जैसे जेंडर लिखा हुआ है उसके अंदर मेल है, उसके अंदर ही फीमेल, उसके अंदर ही ट्रांसजेंडर है, ठीक है। और एक करके देखे फिर करते हैं, यहाँ से फिर से मैंने एक ओएल टैग लिया, ओएल टैग को कर दिया मैंने क्लोज, फिर इसके अंदर मैंने लिखा li। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। मैंने इसके अंदर लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, क्या हो गया, 1 में कंप्यूटर शो कर रहा है, ठीक है। और इसी के अंडर मैं फिर से लेता हूँ यूएल टैग लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा अलग शो करे, ठीक है। यूएल टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, सॉफ्टवेयर, और इसी के अंदर फिर से मैं यूएल टैग लेता हूँ, यूएल टैग लेते हैं एलआई टैग लेते हैं, एलआई टैग लेते हैं, सॉरी कंफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं यूएल टैग, ठीक है, हम इसे यहाँ पे इसे हटाते हैं, इसे भी यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पे जो हम क्लोज करेंगे वो यूएल टैग को क्लोज कर देंगे। सॉफ्टवेयर आ गया, इसके नीचे फिर से हम li टैग लेते हैं, liu नहीं सिर्फ li टैग, वो यूजुअली इंप्रेस हो जाता है क्योंकि वन हैंड टाइपिंग है, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं हार्डवेयर, HARDWARE, हार्डवेयर, इसका एस कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक आएगा। ये देखिए, हमने पहले में हमने इस केस का यूज़ किया है ऑर्डर लिस्ट का, जिसके से ये वन शो कर रहा है, उसके नीचे मैंने यूएल टैग लिया है जिससे कि अनऑर्डर लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे मैं इसको चेंज किया था, जैसे ABCD है, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, ठीक है, टाइप मैं यहाँ यूज़ करके देखता हूँ क्या ये चेंज होता है। स्टार्ट के अंदर लिख दिया मैंने डी से स्टार्ट करो, इसे नहीं होता है, स्टार्ट विद डी नहीं होता, क्योंकि अल्फ़ाबेट में शायद ऐसे ही शो करता है। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, ठीक है, स्टार्ट विद 1, अगर इसमें 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है, अब शो करता है 5, 6, 7 शो कर रहा है, क्या हो गया, डिस्प्ले चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर कितने भी यूनिट्स आ जाएँ, मतलब यूनिट्स के अंदर कितने भी चैप्टर्स होंगे, वो यहाँ पे उस कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हर बुक के फ्रंट पेज के 2 पेज छोड़ के कंटेंट पार्ट होता है, हम उसमें लिखा हुआ रहता है चैप्टर का नाम, ठीक है, उसके नीचे के पॉइंट्स, हम उससे जो डिस्प्ले करवाते हैं हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की मदद से करते हैं, जिसके अंदर की हम ओएल टैग, यूएल टैग के अंदर भी li टैग का यूज़ करते हैं। जितने पार्ट होंगे सबका li टैग अलग होगा, जैसे ये मेल का li पार्ट अलग है, ये मेल का, फीमेल का अलग है, ट्रांसजेंडर का अलग है, सॉफ्टवेयर का अलग है, हार्डवेयर का अलग है, ठीक है, कंप्यूटर का भी अलग है, जेंडर का भी अलग है, तो सबका अलग अलग होगा। हम चाहे तो एक साथ किसी को भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगली हमारी जो पॉइंट्स है जो हम स्टार्ट करने वाले, अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो है मीडिया। मीडिया से हम क्या समझते हैं, मीडिया तो बहुत तरक्की होती है आज तक, ABP,
वो मीडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो मीडिया बात हो रही है वो फाइल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पहला मीडिया क्या होता है हम दिखाते हैं। इसमें अमन नाम का फोल्डर है, ठीक है, इसमें एक वीडियो क्लिप है, ठीक है, तो ये एक मीडिया है। ठीक है, अब मैं इमेज टैग यूज़ करता हूँ, इसमें जो सारी इमेज शो कर रहे हैं ये एक मीडिया है। ठीक है, इसके बाद मैं फिर आता हूँ म्यूज़िक, ये तीनों जो म्यूज़िक फाइल्स हैं ये मीडिया है, इसे मीडिया कहते हैं। और भी मीडिया होते हैं, जैसे PDF होता है, ठीक है, और जो न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं वो भी एक मीडिया है, जो भी हम डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमें स्क्रीन पे शो होती है उसे हम मीडिया कहते हैं। जैसे कि मैं पहले एक बनाया था, मैं कंट्रोल जेड करके देखता हूँ है नहीं है, मुझे नहीं पता होगा कि मैंने शायद सेव कर दिया था उसे, फिर मैं ट्राई करता हूँ। चलो है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, जो शो कर रहा है यही था ना, जैसे मैं इसे प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, प्ले करते हैं, ये मीडिया है जो कि हमारे वेब पेज पे अवेलेबल है, वो मीडिया है। अब हम ए टैग के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्या लिया था, मैंने यहाँ पे एचडी म्यूजिक टैग के अंदर मैंने ये डाला था। अगर मैं यहाँ पे PDF का लिंक डाल दूँ तो हम अगर प्ले ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो PDF ओपन होगा, ये नहीं कि ऑडियो फाइल है, मैंने यहाँ पे ऑडियो लिख रखा है तो ऑडियो ही चालू हो, हम जिसका लिंक डालेंगे उसका ही लिंक वहाँ पे ओपन होगा। उसके अलावा हम कितने भी सोच ले कि हम कोई और टैग यूज़ कर लेते हैं, नहीं, हम ए टैग के अंदर जिस भी फाइल का लिंक डालेंगे उसी वही ओपन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में HTML मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके ज़्यादा क्या होती है, उसके 2 लेक्चर बाद फिर से एक प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हम टेबल बनाएंगे, जैसे फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म्स होते हैं ना, बनाते हैं, जैसे मैं सर्च करके दिखाता हूँ, फॉर्म फॉर्म सर्च करते हैं, शायद शो ओपन हो जाए, इमेजेस पे गए, जैसे देखिए बड़ा कर देता हूँ, जैसे ये एक फॉर्म है, ठीक है, हम इसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बनाएंगे बट इससे बेहतर बनाएंगे थोड़ा, तो उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा। ये सारे टेबल के अंदर बने हैं, थोड़ा देखने में लग रहा होगा ये कैसा है, बट ये सारे टेबल के अंदर बने हैं, 3 टेबल यूज़ हुआ है और इसमें 1, 2, 3, 4 टेबल यूज़ हुए हैं, इसमें फिर एक ही टेबल है, इसमें एक टेबल है, इसमें 2 टेबल हैं, तो वैसा वैसा आएगा। हम ऐसा ये टेबल को हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम फोटो का एक्सट्रैक्शन डाल सकते हैं, ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो हम गैलरी से हम चूज़ भी कर सकते हैं, तो वो हमारी जो आएगी वो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि हम आगे की एक पहले बता दें पीछे का फिर हम बाद में करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो HTML मीडिया होगा, उसके बाद हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे, टेबल के अंदर क्या क्या होता है, टेबल के हम क्या यूज़ करते हैं, जो टेबल फॉर्म बनता है। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, कि जिससे भी हमें भी लगे कि हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है तो भी हम आगे के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आएंगे। और अब से हम शॉर्ट वीडियोस भी डाला करेंगे, कि शॉर्ट वीडियोस में क्या होगा कि जितना ये टाइम लग रहा है, जैसे कि हमारी जो वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की जाएगी, कोई कोई 10 मिनट की होती है, कोई 9 मिनट की है, कोई 5 मिनट की है, तो क्या होगा कि वो छोटे हिंट सिर्फ यूज़ करेंगे, हिंट पर्पज़ के लिए वो शॉर्ट वीडियोज़ भी अब यूट्यूब पर डलेगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए यहीं तक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।